गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ क्लास प्लस वन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडक्शन? इंडक्शन का मीनिंग होता है जर्नलाइजेशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर केस, जर्नलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस ऑफ फैक्ट्स। अब मैथमेटिक्स में इसका क्या रोल है वो मैं बता रहा हूं। देखो, मैं आई विल टेक वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो हमने पढ़ चुके हैं पहले, देखो वहीं से लेंगे हम। 1 + 2 + 3 + 4 + n terms इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n = n (n+1)/2 है ना। जो सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा भी है 10th क्लास में भी, एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने प्रूव भी किया था और ये वहां पे हम पढ़ते आए थे भी, बाय यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी कैन प्रूव दिस है ना। अब यहां पे ये ट्रू है, ये क्या है? ट्रू होता है हरेक एन के लिए। एन का मतलब यहां पे क्या है? एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है ना। क्या है? नेचुरल नंबर। एन मतलब क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है। और इसका मतलब क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। अब ये प्रूव करना है हमने, ये सही है, वी हैव टू प्रूव इट। कैसे? मान लो पहले मैंने एन की वैल्यू क्या ले ली? 1 है ना। एन की वैल्यू क्या ले ली? 1। एन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एन इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, यहां पे एन का मतलब है। अब एन की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 1। तो इसका मतलब यहां पे इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब क्या हुआ यहां पे कि आपने क्या ले लिया? सिर्फ 1 टर्म, फर्स्ट टर्म। एन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या? देखो आगे हमने सवाल भी करने हैं, उसमें भी इसका मीनिंग यही होया करेगा कि एन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि सम ऑफ 1 टर्म, क्योंकि एन की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो एक ही टर्म है ना। तो जनरली हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये ले ली 1 इज इक्वल टू उधर, इधर एन की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या पुट करेंगे? 1। देखो 1 × 1 + 1/2, तो दैट इज व्हाट? 1 + 1 = 2, 2/2 = 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 1 है ना, ये आ गया। उसके बाद n इज इक्वल टू क्या लिया हमने? 2। n इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड साइड में इसका मतलब क्या है? जैसे ये है सम ऑफ n टर्म्स है ना, तो n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, ये 1 + 2 है ना। और राइट हैंड साइड में एन की जगह पे डायरेक्टली आपने क्या पुट कर देना है? एन इज इक्वल टू 2 × यहां पे 2 × 2 + 1/2। तो ये तो इधर क्या आ गया? 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 + 1 = 3। 2 के साथ 2 आंसर हो गया तो क्या आ गया? 3 आ गया यहाँ पे, ये भी इक्वल आ गया है। फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए तो इधर क्या हो जाएगा? सम ऑफ 1 + 2 + 3। देखो ना यहाँ पे क्या ले लिया? 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 + 2 = 5 + 1 = 6 हो गया इधर। और उधर देखो अब n इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 लिया था हमने, 3 × 3 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 4/2, तो 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, तो 6 = 6 हो गया। अब उसने कहा था यू हैव टू प्रूव दिस फॉर ऑल n = n कि सभी नेचुरल नंबर के लिए। अब ये आप कहां तक करते रहोगे? n इज इक्वल टू 1 के लिए भी कर दिया, n इज इक्वल टू 2 के लिए कर दिया, n इज इक्वल टू 3 के लिए, फिर n इज इक्वल टू 4 के लिए, फिर n इज इक्वल टू 5 के लिए, ऐसे तो ये बहुत आगे तक इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो इससे फिर इसको कैसे प्रूव करें कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n? तो इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला चाहिए था, कोई टेक्निक चाहिए थी, उसी टेक्निक को क्या कहते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना। इसको प्रूव करने के लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें एक टेक्निक चाहिए थी, और वो टेक्निक क्या थी? मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये हम जितने भी स्टेटमेंट्स हुआ करेंगे ऐसी, एक तरह से ये क्या है? स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। अब ये होती क्या है? इसका एक ही फॉर्मूला है जो आपको सभी सम्स में अप्लाई करना होगा। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में कैसे प्रूव करना है? 3 स्टेप है इसमें। देखो पहला स्टेप क्या है, हम प्रूव किया करेंगे फॉर एन इज इक्वल टू 1 कि एक कोई पी एन स्टेटमेंट है, जैसे ये स्टेटमेंट है ना, ये मैं यहां पे क्या लिखूंगा? लेट अस सपोज दिस इज व्हाट, ये स्टेटमेंट है किसमें है? पी एन है ना, इस पर फर्स्ट सम मैंने लिख दिया यहां पे, एन में है ना, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने? पी एन। सबसे पहले मैं ये प्रूव किया करूंगा फॉर पी एन, फॉर
Pn में n इज इक्वल टू 1 कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है ना। उसके बाद ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या प्रूफ किया करेंगे, लेट हम क्या मानेंगे, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, फॉर n इज इक्वल टू k के लिए लेट, ये हम अज्यूम क्या करेंगे कि लेट इट इज ट्रू, देन वी हैव टू वी शैल हैव टू प्रूव कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करके दिखानी है, सिंपल सी बात है। पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, अगर n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव है तो उसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब अगर k के लिए ट्रू है, ठीक है, पहले 1 के लिए आ गई, फिर k के लिए आ गई, फिर k के बाद एक और नंबर आगे ले लिया करेंगे हम, एक k क्या है, k की k एक इंटीजर है ना, तो n इज इक्वल टू k इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर ले रहा है यहां पे हमने, है ना। तो आगे क्या है, n इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 अगर k के लिए ट्रू है तो उसे एक अगले नंबर के लिए भी ये क्या होगी, ट्रू होगी, तो तब हमारा ये क्वेश्चन हो जाया करेगा। अब देखो मैं साथ में पहले क्वेश्चन कर रहा हूं, पहले ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 का, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, है ना। तो नाउ देखो फर्स्ट Pn, ये Pn लिखनी है आपने, लेट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने, n इज इक्वल टू 1 का मतलब एक ही स्टेटमेंट, एक ही है ना। जनरली हम कई बार बच्चा पता क्या करता है, ये वो भी सही है, आपने मतलब यहां पे क्या है, मतलब यहां पे ये है कि पहली टर्म लेनी है आपने, है ना, n इज इक्वल टू 1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपने पहली टर्म लेनी है। कई बार बच्चा यहां पे पुट कर देता है कि इसको छोड़ के, क्योंकि ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये यही दे रहा है कि पहली टर्म क्या है, दूसरी टर्म क्या है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दूंगा तो वो पहली टर्म आ जाएगी, है ना, 1, फिर 2 पुट करूंगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करते हुए 2 माइनस 1 3, है ना, फिर 3 पुट कर दूंगा, 3 माइनस 1 2। एक्चुअल में ये जो होता है लास्ट में, ये nth टर्म है इसकी, ये इसकी क्या है, nth टर्म है। तो जनरली बच्चा फिर ये भी कह देते हैं कि हम यहां इसको सारे को छोड़ को लास्ट में n की वैल्यू यहां पे क्या मिल रही है, n की वैल्यू है जिस टर्म में, सिर्फ उसी टर्म को लेना है, सिर्फ उसी टर्म को लेना है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1। जहां जनरली हम ये भी कह देते हैं कि ये फर्स्ट टर्म लेनी है बस इसकी, ना एक ही बात है, चाहे इसमें 1 ये रख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, ये क्यों, ये मैंने बता दिया ना, ये क्यों है, ये इसकी nth टर्म है, इसकी इसकी लेफ्ट हैंड साइड की क्या है, ये nth टर्म है ना। अब मैं इसमें 1 ले लू तब भी 1 है ना, अगर मैं इसमें पुट कर दूं, सिर्फ इसी में पुट करना है, यहाँ पे आपको n दिख रहा है लास्ट टर्म में, n वाली में, तो भी ये यही आएगा, देखो 3 1 माइनस 1 3 की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1। चाहे ऐसे कर दो, चाहे आप इसकी पहली टर्म ले लो, ये वाली, है ना, ये भी सही है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, अब राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड, ये मैं थोड़ा मिटा के दोबारा लिख रहा हूं, है ना, तो बड़ा हो जाए ना क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, पी एन फोर एन इज इक्वल टू 1 पहला केस, तो चाहे इसमें पुट कर दो आप 3 पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड भी साथ में मैं लेके चल रहा हूं, एन 1 माइनस 2 अपॉन 3 की पावर क्या होगी, ये 0 इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, 3 माइनस 1 2 अपॉन 2, दैट इज व्हाट, 1, तो 3 की पावर 0 क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, ये ट्रू हो गया। अब यहां पे मैं फिर कह रहा हूं, आप फर्स्ट टर्म ये भी ले सकते थे ना, 1, ठीक है, चाहे ये ले लो, चाहे आप इसमें पुट कर दो, मोस्टली बच्चों को ये बता दिया जाता है कि आप इसमें, यहां पे n दिख रहा है, वहां पे आप n की वैल्यू पुट कर दो बस, बाकियों में नहीं पुट करनी, बाकियों में नहीं पुट करनी, है ना, तो बाकी होती नहीं है। तो मैंने इसलिए आपको ये स्टेप बता रहा हूं बार बार कि इसका मतलब यही होता है कि चाहे आप पहली टर्म ले लो, क्योंकि मैंने शुरू में आपको स्टार्टिंग में बताया कि n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक ही टर्म, तो वो एक टर्म कौन सी है, ये है ना। अब ये होता क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, कि ये nth टर्म है, ये क्या है, nth टर्म। अब nth टर्म का मतलब देखो, अगर मैं इसमें n इज इक्वल टू 1 करता हूं तो भी ये 1 ही आएगा, पहली टर्म आएगी, अगर 2 करता हूं तो इसका मतलब ये सेकेंड टर्म देगा मुझे, 2 माइनस 1 3, अगर 3 पुट करता हूं तो ये मुझे थर्ड टर्म देगा, है ना, ये इसका मतलब है। तो इसलिए जरूरत है इसमें भर दो चाहे इसमें भर दो, ये था हमारा पहला केस, है ना, स्टेप 1 है ना। अब लेट क्या करना है, लेट Pn इज ट्रू फॉर
एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू के लिए क्या है, ट्रू है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें आप ये देखो सारी टर्म्स लिखोगे, ये क्या हो जाएगा वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वेयर डैश डैश प्लस थ्री की पावर एन की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने के, एन की जगह पे क्या पुट कर देना आपने के, के माइनस वन इज इक्वल टू थ्री रेज पावर के माइनस वन अपॉन टू। ये हमने मान लिया कि दिस इज अ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के लिए, इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहला स्टेप समझ आ गया होगा, पहले में एन इज इक्वल टू वन प्रूव कर रहे हैं, दूसरा हमने लेट करना है, लेट इट इज अ ट्रू फॉर दिस। अब थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड क्या है, हमने ये करना है लेट, लेट नहीं मतलब प्रूव करना है, वी शैल हैव टू प्रूव फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अब के प्लस वन के लिए हमें ये प्रूव करना है। अब सुनो इधर ध्यान से, अब इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने एन इज इक्वल टू के प्लस वन लिख लिया इसमें, इसमें है ना, क्या लिख लिया वन प्लस थ्री का स्क्वेयर प्लस, देखो यहां पे पहले के तक था, पहले क्या था के तक, अब मुझे क्या लिखना है के प्लस वन तक। अब यहां पे मैंने एक और टर्म लिख ली, मतलब मान लो यहां पे मैंने ये लिख लिया थ्री के प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन टू। ये मुझे प्रूव करना है, दिस वी हैव टू प्रूव कि अगर के प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है हमें, दिस इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, ये प्रूव करना है हमें, इस बात का ध्यान रखना, दिस वी हैव टू प्रूव। अब जब ये प्रूव करते हैं तो हम एक लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेंगे। अब मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मैंने इसकी क्या ले ली लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड व्हाट यू विल राइट हियर वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस। अब यहां पे भी आप लिख सकते हो, सोचो ना आप यहां पे ये k प्लस वन टर्म है, k प्लस वन थ्री, इससे पहले कौन सी टर्म होगी, देखो ना यहां पे थ्री स्क्वायर है तो इससे पहले वाली टर्म क्या है थ्री की पावर क्या है वन है ना, अब यहां पे थ्री की पावर थ्री होता तो इससे पहले वाली टर्म क्या है एक कम, इससे एक कम के प्लस वन से एक कम क्या था ये, इससे पहले टर्म क्या थी ये हमारी थ्री रेज पावर के माइनस वन था यहां पे, ठीक है ना, ये क्या थी, ये क्या थी के प्लस वन था टर्म से, इससे एक पहले मैंने ये लिख ली है ना ये वाली, ठीक है। अब इससे बिना भी बताऊंगा मैं, इसके बिना भी ये देखो थ्री स्क्वायर प्लस डैश डैश यहां पे क्या लिख दिया थ्री रेज पावर के माइनस वन प्लस डैश डैश था ना यहां पर प्लस थ्री रेज पावर के प्लस वन माइनस वन, ये लेफ्ट हैंड साइड ले। अब देखो ध्यान से, अब हरेक क्वेश्चन में आपने ये सेकंड, ये जो फर्स्ट टर्म है सेकंड स्टेप वाली ये यूज होगी, ये देखो वन प्लस थ्री रेज स्क्वायर प्लस थ्री रेज पावर के माइनस वन इज इक्वल टू क्या है थ्री की पावर के माइनस वन अपॉन टू है। तो यहां तक मैंने इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दी, ये वैल्यू क्या है थ्री रेज पावर के, इसकी वैल्यू ना देखो यहां तक ये किसके इक्वल है थ्री रेज पावर के माइनस वन अपॉन टू प्लस ये क्या आ जाएगा थ्री के प्लस वन, इसको ब्रैकेट को खोलूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा थ्री की पावर क्या आ गई के, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, मुझे ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस है ना, ये रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है एक लाइन में, तो ये क्या हो जाएगा थ्री रेज पावर के। अब क्या करोगे इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा देखो टू यहां पे क्या आ जाएगा थ्री रेज पावर के माइनस वन प्लस यहां पे क्या है वन वन, तो ये क्या आ जाएगा टू प्लस टू इंटू थ्री रेज पावर के है ना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये थ्री रेज पावर के है, ये भी थ्री रेज पावर के है, ये कितने हैं ये दो है ना, ये क्या है टू टू इंटू थ्री रेज पावर के, ये वन है तो इनको ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा टू प्लस वन थ्री है ना, टू प्लस ये देखो ना ये वन है थ्री रेज पावर के कितने हैं ये वन, ये थ्री रेज पावर के कितने हैं टू, टू प्लस वन क्या हो गया थ्री, थ्री रेज पावर के थ्री इंटू थ्री रेज पावर के है ना। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो ये देखो ये थ्री रेज पावर के है प्लस
टू इंटू थ्री रेज पावर क्या है के, मैं यहां से क्या कॉमन निकाल दू, थ्री रेज पावर के, तो यहां पे क्या रह जाएगा बेटा वन प्लस यहां पे क्या रह जाएगा टू, तो इसको आप क्या लिखोगे देखो थ्री रेज पावर के इंटू टू प्लस वन थ्री लिखोगे, यही तो लिखोगे। अब साथ में क्या है माइनस वन है ना अपॉन टू। अब देखो ध्यान से, अब ये थ्री है इसकी पावर क्या है वन, इसकी पावर क्या है के, तो बीच में मल्टीप्लाइकेशन साइन है तो इसका मतलब बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएगी एड, तो ये क्या हो गया थ्री के प्लस वन, थ्री रेज पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, यही तो थी राइट हैंड साइड, यही राइट हैंड साइड थी, हमें यही प्रूव करना है। हर एक क्वेश्चन में बेटा हमें यही प्रूव करना होगा। देखो पहला केस भी कुछ नहीं है एन इज इक्वल टू वन के लिए, दूसरा हमें प्रूव लेके चलना है कि इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, थर्ड केस में हमें प्रूव करना है कि लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस। नाउ हेयर वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू हेयर, ये देखिए अगर वी कैन डू लाइक दिस वे ऑल्सो, देखो फर्स्ट हमने ये सेकंड टर्म ये लिखी थी ना फॉर एन इज इक्वल टू के लिए ये लिखा होता हमने, और एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ये लिख लेते हैं बड़ा कि यहाँ पे ये थ्री के माइनस वन है, और इससे अगली टर्म के प्लस वन के लिए तो के प्लस वन ये लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ना ये हमने लिख लिया दोबारा, देखो वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्केयर डैश डैश थ्री रेज पावर के माइनस वन है ना इज इक्वल टू थ्री रेज पावर के माइनस वन अपॉन टू, मुझे ये प्रूव करना था ना ये। अब देखो मैं हम कैसे कर सकते हैं इसको, ये देखो के माइनस वन तक तो ये है ही है ना, मुझे साथ में ये चाहिए के प्लस वन, देखो यहाँ पे के प्लस वन का मतलब ये माइनस वन के साथ माइनस वन कट जाएगा तो प्लस क्या है इसके थ्री के है ना, मुझे थ्री के चाहिए था इसमें। अगर मैं क्या कर दू देखो ये मुझे लेके आना है ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी आ जाएगी और राइट हैंड साइड भी आएगी साथ में, कैसे अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दू थ्री रेज पावर के एड, देखो ना ये यूज यही होना है जैसे मैंने पहले बताया, या तो वैसे कर लो या आप ऐसे कर सकते हो, एड थ्री रेज पावर के, एड थ्री रेज पावर के ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड ये चीज बन जाएगी, देखो इधर तो सीधा आ ही जाएगा ना, देखो वन वन प्लस थ्री 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 का स्केयर थ्री का स्केयर प्लस थ्री रेज पावर के माइनस वन प्लस थ्री रेज पावर क्या कर दिया मैंने के एड कर दिया ना, ये सारा इधर लिख के ये सारा लिख दिया प्लस थ्री रेज पावर के इज इक्वल टू इधर फिर वही बन जाएगी थ्री के माइनस वन अपॉन टू प्लस थ्री रेज पावर के, बिल्कुल वैसी बन गई है ना जो हमने पहले किया है, देखो वही एलसीएम लेके टू थ्री रेज पावर के माइनस वन प्लस टू थ्री रेज पावर के, फिर आगे मैंने आपको बताई दिया ना कैसे करना है, ये कॉमन लेके टू प्लस वन थ्री, तो आप ऐसे भी कर सकते हो बाय यूजिंग सेकंड बेस है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस एन क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन का स्केयर, ये यहाँ पे इसका क्या है स्केयर है सारी टर्म का इसका स्केयर। अब क्या करोगे देखो पहला वही हम ये क्या है पी एन है, इसको क्या लिख लिया पी एन, फिर फर्स्ट स्टेप एन इज इक्वल टू वन पी एन, एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू वन, अब यहाँ पे वन का मतलब फर्स्ट टर्म चाहे इसमें इसको वन लिख लो एक ही बात है ना, चाहे यहाँ पे एन पुट कर लो, तो वन क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा बेटा वन इंटू वन प्लस वन अपॉन टू, यहाँ यहाँ पे आपको एन दिख रहा है वहां पे आपने क्या पुट कर देना है राइट हैंड साइड में वन, और यहाँ पे अगर ये लेना है सिर्फ ये वाली लोगे तो सिर्फ ये वाली टर्म लोगे ना, अदरवाइज मैंने मीनिंग बता रहा आपको कि n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू वन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी पहली टर्म एक टर्म का सम है ना, वो ये आ गया। अब ये देखो वन इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा वन प्लस वन टू टू पॉइंट टू का स्केयर कैंसल इज इक्वल टू क्या गया वन, ये फर्स्ट केस हमारा यही पे समाप्त हो गया है ना। अब देखो सेकेंड केस, सेकेंड हमने क्या लिखना है लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, इसके लिए क्या है ट्रू है, तो वहां पे देखो अब इसमें पूरी टर्म में क्या लिख दोगे यहाँ पे एन है वहां पे एन की जगह पे क्या लिख देंगे के, ये देखो अब यहाँ पे वन क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डैश डैश प्लस के क्यूब इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन अपॉन टू, ये हो गया ये हमारे पास सेकेंड केस, यहां तक सारे बच्चों को आसानी से आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी शैल हैव टू प्रूव, नाउ वी शैल ये लिखोगे आप
वी शैल हैव टू प्रूव पी एन फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए, है ना। अब यहां पे ये ध्यान रखना है आपने, के प्लस वन मतलब एन की जगह पे क्या आ जाएगा, के प्लस वन। तो आप ये सेकंड टर्म ऐसे लिखा करो, थर्ड मतलब अब यहां पे प्रूव क्या करना है, मैं ये लिख रहा हूं वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डैश डैश के स्केयर यहां देखो ना के क्यूब सॉरी क्या है के क्यूब प्लस, मतलब ये देखो एक टर्म लिख लेते हैं पहले वैसे ही कि एन क्यूब है, के तक तो ये प्रूव हो गया हमारा ना, के तक अगली टर्म इसकी क्या आएगी के बाद, देखो यहाँ पे टू आ रहा है तो अगली टर्म क्या आ रही है थ्री आ रही है, टू प्लस वन, अगर थ्री से पहले टू है तो के से पहले मतलब के से पहले के माइनस वन होगा, लेकिन अब अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया के प्लस वन क्यूब है ना इज इक्वल टू है ना ये ना, तो पहले मैंने एक टर्म लिख दी ये प्रूव करना है अपने किसके इक्वल, ये क्या होना चाहिए के प्लस वन, देखो यहाँ पे के प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, दिस यू हैव टू प्रूव, ये प्रूव करना है ये यहाँ पे लिख लेना आपने कि दिस वी हैव टू प्रूव। देखो फिर वही, चाहे तो आप ये सेकंड स्टेप ले लो है ना, चाहे आप इसी स्टेप को इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बात एक ही है। देखो ध्यान से, अगर मैं ये लेता हूं, मैंने ये ले लिया, अब मुझे पता है कि मुझे ये प्रूव करना है ना, के क्यूब तक तो है ही है, मैं क्या ऐड कर दूंगा के प्लस वन का क्यूब ऑन बोथ साइड, एड के प्लस वन क्यूब ऑन बोथ साइड, या फिर आप इसकी क्या ले लो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अगर लेफ्ट हैंड साइड लोगे बेटा तो यहां तक क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अब यहां तक इसमें इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी क्या डाल दो वैल्यू, आप कंफ्यूज मत करो ना इसमें, आप ये लिया करो सेकंड लिखा करो दोबारा से ना, ये मुझे प्रूव करना है, कैसे यूज करना है, बाय यूजिंग दिस टर्म फर्स्ट है ना, मैं ये लिख लिया मैंने, मान लो वन क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस के का क्यूब इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये है मेरे पास, ये फर्स्ट मैंने दोबारा लिखी। अब मुझे ये प्रूव करना है, ये लेके आनी है सारी इक्वेशन, देखो के क्यूब तक तो है ही है, मैं इसमें अगर ये ऐड कर दूं ना क्या के प्लस वन का क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ऐड के प्लस वन का क्यूब ऑन बोथ साइड्स, आप ऐसे ही रखो ना ये स्टेप याद रख लो मन में कि पहला एन इज इक्वल टू वन के लिए प्रूव किया, फिर एन इज इक्वल टू के लिए प्रूव कर दिया, अब क्या प्रूव किया मैंने, प्रूव करना है एन इज इक्वल टू के प्लस वन, इसमें यहां पे आपको एन दिख रहा है वहां पे आप क्या रख दो, फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखना तो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको, है ना, ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो लिख दो, नहीं भी लिखना तो अच्छा हो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो यहाँ पे ये लिख दिया करो एक पहले वाली टर्म, है ना ये प्रूव करना है ना, तो अब इसमें अगर क्या कर दे इसमें एड कर दे तो ये वाली टर्म बन जाएगी, तो क्या लिखो वन क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस डैश डैश के क्यूब प्लस के प्लस वन का क्यूब इज इक्वल टू, इधर तो देखो ये वाली साइड आएगी है ना, नो प्रॉब्लम सीधे डायरेक्ट आ रही है, अब इसमें लेके आनी है हमने, तो ये क्या था देखो के इंटू के प्लस वन का स्केयर है ना, ऐसे स्केयर अपॉन टू प्लस सारे का स्केयर है प्लस क्या ऐड किया हमने के प्लस वन का क्यूब, के प्लस वन का क्यूब ऐड कर दिया, ठीक है ये बात ये है। अब देखो ये तो हाई रही है ये वाली साइड, अब इसको मैंने इस साइड को ऐसे बनाना है, ऐसे बना लेके आना है, ये देखो अब क्या करोगे इसमें, अब मैं यही साइड लेके चल रहा हूं, अब इसको मैंने ना ऐसे लिख दिया के स्केयर के प्लस वन का स्केयर, स्केयर खोल दिया मैंने अपॉन में क्या आ गया फोर है ना, यहाँ पे प्लस के प्लस वन का क्यूब, अब सबसे पहले देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है के प्लस वन का स्केयर, के प्लस वन का स्केयर यहां पे कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ गया तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, ये देखो यहां पे क्या रह जाएगा के स्केयर अपॉन फोर प्लस के स्केयर अपॉन फोर प्लस के प्लस वन, ये रह जाएगा यहां पे है ना, क्योंकि क्यूब था एक के प्लस वन स्केयर बाहर ले लिया, अब यहां पे इसको ऐसे ही रहने दो के प्लस वन का स्केयर, तो यहां पे क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया फोर, तो ये क्या आ जाएगा के स्केयर प्लस फोर के प्लस फोर है ना,
अब देखो k प्लस वन का स्केयर है ना, k प्लस वन का स्केयर तो आई रहा है एक तरह से, ये देखो k प्लस वन का स्केयर, अब ये k प्लस वन बनना चाहिए है ना, ये देखो अब k प्लस वन का स्केयर, ये देखो ये ध्यान से, ये सीधा देखो आइडेंटिटी बन रही है, किसकी आइडेंटिटी बन रही है, अगर ना भी पता चलेगा आप इसके फैक्टर बना लो बाय मिडल सपरेटिंग, लेकिन मुझे ये सीधा ये पता चल रहा है कि ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, k प्लस टू की का स्केयर, देखो k स्केयर प्लस फोर के प्लस फोर अपॉन क्या गया फोर, ये बन गया, लेकिन आप कोई बच्चा सोच रहा सर ये नहीं आया है ना, यही आया तरह से, ये कैसे देखो इधर के प्लस वन का स्केयर, इसको क्या लिख दिया होल स्केयर, देखो सबका स्केयर है तो मैं यहां पे ये लिख दू के प्लस टू का अपॉन टू का होल स्केयर, ये लिख दिया हमने इसको, ये लिख दिया, अब इसको के प्लस टू को कैसे लिख दो आप, के प्लस वन वैसे भी टू ही आएगा, के प्लस टू आएगा वही आ जाएगा, लेकिन आप इसको ना ऐसे ही लिखा करो है ना, इसको ऐसे लिखा करो, ये क्या आएगा के प्लस वन, के प्लस वन, के प्लस वन प्लस वन अपॉन टू का होल स्केयर, तो ये आगे हमारी ये वाली साइड ना, ये राइट हैंड इसकी ये लेके आ रहे थे हम, याद रखो अब मैंने क्या क्या है आपको ना यही प्रोसीजर बनाओ आप, फर्स्ट एन इज इक्वल टू वन, फिर एन इज इक्वल टू वन के लिए, एन इज इक्वल टू के लिए, फिर तीसरा लिख लो पूरे की पूरी स्टेटमेंट क्या कि के प्लस वन का क्यूब करना है यहाँ पे ना, तो ये क्या आएगा के क्यूब प्लस के प्लस वन का क्यूब आएगा, ये यहां तक लिख के उसमें के प्लस वन एड कर दो, तो इधर के प्लस वन हो जाएगा ये, अब सेकेंड इक्वेशन ले लो, बात एक ही है, सेकेंड इक्वेशन ली इसमें क्या कर दिया एड के प्लस वन क्यूब ऑन बोथ साइड, उसी को सोल्व करना है, तो ये था हमारा सेकेंड सम। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फिर वही प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, तो पहले हम पहला केस लेंगे एन इज इक्वल टू वन के लिए है ना, एन इज इक्वल टू वन के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये एन इज इक्वल टू ये पी एन लिख लिया था इसको है ना, पी एन इज इक्वल टू दिस, सो पी एन एन इज इक्वल टू वन, तो एन इज इक्वल टू वन मतलब यहाँ पे पहले टर्म है सिर्फ वन इज इक्वल टू, अगर ये आपने ले लिया तो सिर्फ यहाँ पे एन लेना पड़ेगा हमें है ना, क्योंकि इसकी भी आगे एंथ टर्म है, तो बेटर ये है तो आप ये ले लो इसकी पहली टर्म, ये क्या होगी वन होगी है ना, अब आगे देखो टू इंटू वन अपॉन वन प्लस वन, तो टू अपॉन क्या आ जाएगा टू दैट इज इक्वल टू वन, सो इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, ये लिख दिया करो इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन है ना, अब सेकेंड देखो सेकेंड केस, अब ये बिल्कुल सेम ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री, लेट इट इज और लिख लेना आप है ना, लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू के लिए ये लिखना है साथ में है ना, प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश है इसके बीच में होगा ना, तो डैश डैश लिखना भूल गया मैं, इसके बीच में ये डॉट डॉट लगा दूंगा है ना, डॉट 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 प्लस इज इक्वल टू टू के अपॉन के प्लस वन, अब ये इसको क्या मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन सारी, इसको क्या मान लो फर्स्ट इक्वेशन, लेट इट इज अ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, अब वी शैल हैव टू प्रूव फॉर स्टेप थर्ड एन इज इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस वन के लिए हमें प्रूव करना है, अब ये तो सेम ऐसे ही आएगा, देखो वन प्लस ये लिख लोगे आप वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश 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 वन अपॉन एक टर्म ना पहले वाली लिख लिया करो इससे, मतलब के तक तो है ही है ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस के प्लस यहां पे वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस के प्लस वन है ना, के प्लस वन इज इक्वल टू इक्वल टू मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप स्पेस कम हो जाती है, इज इक्वल टू टू के प्लस वन यहां पे ना के प्लस वन नीचे के प्लस वन प्लस वन है ना, ये प्रूव करना है हमें, दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड दिस इज अ राइट हैंड साइड, अब देखो ध्यान से, फिर मैंने वही कहा हुआ कि आप फर्स्ट इक्वेशन ले लिया करो ये वाली, क्या हमने फर्स्ट में ये प्रूव किया है ना, ये वाली ले लिया करो, इसको ले लिया हमने, ये लिखी मैंने दोबारा देखो यहां पे थर्ड में ये प्रूव कर रहा है ना, ये हमें ये लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है राइट हैंड, ये लेके आ गई हमने ना, ये मैं कैसे लूंगा इसकी हेल्प से, बात वही है चाहे आप ये ले लो चाहे ले लो, चलो ये लिया करो आप सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन दोबारा से लिखो, दोबारा से लिखी हमने वन
प्लस एक दो सवाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये है क्या, वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन अपॉन यहाँ पे के था ना, यहाँ पे क्या था के, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश के इज इक्वल टू टू के अपॉन के प्लस वन, ये था। अब मुझे लेके ले जाना है ना, ये यहां तक तो ये सेम ही है यहां तक के तक। अब मैं क्या कर दू, ये वाली टर्म ऐड कर दू, ये वाली टर्म क्या करते हैं ऐड ऑन बोथ साइड्स, दिस टर्म वी विल ऐड ऑन बोथ साइड्स। अब यहां पे कर लूंगा मैं ऐड दिस टर्म, देखो ना ये टर्म ऐड कर दूंगा मैं ये वाली टर्म इसमें, तो इधर ये साइड तो पूरी बन जाएगी एज इट इज, रह गई हमारी राइट हैंड साइड है ना। मैं सिर्फ राइट हैंड साइड कर रहा हूं, वो लिखूंगा नहीं, ध्यान से सुनो। ये फर्स्ट थी, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ये लिख दी दोबारा, ये लिखी। अब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ये ऐड कर दें, नाउ ऐड दिस ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड तो ये एज इट इज आ जाएगी, अब राइट हैंड साइड में देखो क्या क्या होगा। ये देखो इधर ये थी टू के अपॉन के प्लस वन प्लस, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ चुका है हमारा, ये थर्ड स्टेप ये था ना, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना। अब ऐड ये ऐड करना था हमने, वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डैश डैश प्लस के है ना, के प्लस वन, के प्लस वन ये आगे इसमें ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं बेटा मैं, इसमें ऐड कर रहा हूं ये वाली चीज है ना, ये ऐड कर दी। अब इधर तो ये चीज बनी जाएगी, ये वाली ये साइड लेफ्ट हैंड साइड ये चीज ये सारा आ गया। अब इस ये बनाना है उधर वाली साइड है ना, ठीक है। अब ये क्या था, ये चीज बनानी है हमने, ये टू के प्लस वन ए प्लस वन प्लस वन। अब ये कैसे बनेगा देखो, ये एज इट इज आ गया यहां पे टू के अपॉन के प्लस वन है ना। अब प्लस इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, ये देखो ये क्या है, ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स आ रहा है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये देखो ना ये एपी बन रही है, ये क्या बन रही है एपी, एपी भी कैसे बन रही है, वन टू थ्री सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है ना। तो ये नीचे क्या आ जाएगा, वन अपॉन एन, एन यहां पे है क्या के प्लस वन है, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया के प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा के प्लस वन, क्योंकि एन की जगह पे क्या लेना हमने के प्लस वन है ना, अपॉन टू अपॉन टू। फिर इसका क्या लिखोगे आप, रेसिप्रोकल, इसका क्या लिख लो आप, रेसिप्रोकल लिखो इसका ना, इसका क्या लिखो रेसिप्रोकल, टू के अपॉन के प्लस वन प्लस इसका क्या लिखो बेटा रेसिप्रोकल, क्योंकि ये दिस अपॉन दिस तो ऊपर एक हो जाएगा टू अपॉन, तो यहां पे क्या आ गया ये के प्लस वन के प्लस टू, ये बात आ गई है ना यहाँ पे। अब इसमें से कॉमन लो, एलसीएम लेने से पहले क्या ले लो, कॉमन ले लो, बट यू कैन टेक कॉमन, ये कॉमन ले सकते हैं हम, टू भी कॉमन आ गया यहाँ पे और नीचे क्या आ गया के प्लस वन। अब यहां पे क्या बचा बेटा, वन प्लस यहां पे क्या बचेगा वन अपॉन के प्लस टू, यही तो रह जाएगा देखो है ना, के प्लस वन नीचे से बाहर आ गया तो यहाँ पे के प्लस टू ये बच गया है ना। अब देखो ये टू अपॉन के प्लस वन, यहां पे एलसीएम लिया तो क्या आ गया के प्लस टू, के प्लस टू एलसीएम आ गया, तो यहां पे क्या आ गया के प्लस टू प्लस वन, ये बन गया हमारे पास है ना। अभी देखो बड़ा लेके क्या आना था, यहां पे टू के अपॉन के प्लस वन लेके आना है, टू के अपॉन के प्लस वन लेके आना था। अब देखो ध्यान से ये क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कहीं पे गड़बड़, टू के यहाँ पे टू बार निकालना है ना टू, तो यहाँ पे के आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा के है ना, तो अब ये क्या बन जाएगा देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। अब यहाँ पे क्या लिया हमने, देखो ना टू बाहर लिया था तो यहाँ पे क्या बचेगा के, वहां पे प्लस वन, तो के प्लस टू, अब यहाँ पे क्या हो गया के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ये बन गया। अब देखो ध्यान से टू अपॉन के प्लस वन इन टू, अब देखो ऊपर ये आइडेंटिटी बन रही है सीधी, अगर आपको नहीं पता चल रहा आइडेंटिटी का तो आप यहां पे इसकी मिडिल स्प्लिटिंग कर दो, वैसे ही देखो के प्लस वन का क्या बन गया स्क्वायर बन गया, के प्लस वन का स्क्वायर अपॉन के प्लस टू, ये आ गया के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के आ जाएगा, ये के प्लस वन था,
ये पूरा एक है, यहाँ पे पावर टू थी, एक कैंसिल हो जाएगी तो ये रह जाएगा ना। तो अब ये क्या बन गया, टू के प्लस वन अपॉन, देखो ये आ गया ना, प्रूफ क्या करना था, ये करना था, ये देखो ध्यान से, ये टू के प्लस वन, नीचे के प्लस वन प्लस वन, इसको ऐसे लिख दो आप, के प्लस टू को प्लस वन प्लस वन। तो ये थी हमारी राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको, अब जब धीरे धीरे करोगे तो आपको समझ आने लगेंगे ये सवाल। मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपने पहले n इज इक्वल टू वन के लिए प्रूव करना है, वन के लिए मतलब फर्स्ट टर्म आ गई वन, तो यहाँ पे भी वन प्रूव कर दो, राइट हैंड साइड में n की जगह पे वन प्रूव, वन लिख दो और इक्वल टू प्रूव कर दो, इट इज ट्रू। फिर सेकंड टर्म ले लिए हमने, कुछ नहीं है, सेकंड टर्म लिख दिया, थर्ड टर्म में, थर्ड में यू हैव टू प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। तो आपने इसमें बस यहाँ पे क्या कर देना, यहां तक तो लिखा ही हुआ है, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस के प्लस वन, ये जैसे ही लिखा, इज इक्वल टू इधर क्या है, के प्लस वन प्लस वन, ये लिख दिया। अब ये चीज हमने लेके आनी है, और ये कैसे लेके आते हैं, बाय यूजिंग ये वाली, ये फर्स्ट टर्म जो मैंने इसको फर्स्ट टर्म बनाया, इसमें एड कर दिया हमने, है ना। तो बाकी प्रोसीजर आपने देख लिया है। नाउ दिस नेक्स्ट सम फोर्थ, फिर देखो मैं थोड़ा सा मैं रब करके दिखाऊंगा, कर दूंगा यहाँ पे, ये पहले n इज इक्वल टू के लिए, फिर वही आप लिख दोगे पी एन, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन का मतलब पहली टर्म लेनी है आपने, है ना। या तो ये देखो आप यहाँ पे पुट कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वन वन प्लस टू, तब भी देखो टू आ जाएगा, पहले वन फिर वन प्लस टू टू, फिर एन वन वन प्लस टू थ्री, तो यही वो टर्म आने वाली है, ये सब में मैंने बताया आपको। तो ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या आ गई, वन इंटू टू इंटू थ्री मतलब सिक्स आ गया, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। और ये राइट हैंड साइड में जब पुट करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में वन वन प्लस टू, वन इंटू वन प्लस टू, वन प्लस वन टू इंटू वन प्लस टू थ्री इंटू वन प्लस थ्री फोर अपॉन फोर, फोर के साथ फोर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया सिक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, है ना, ये आप कर दोगे यहाँ पे। अब देखो, नाउ इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, देखो सेकंड स्टेप में वन टू थ्री प्लस टू डॉट थ्री डॉट फोर प्लस, यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, के के प्लस वन के प्लस टू, है ना, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, थोड़ा सा फोर में यहां से डाल रहा हूं, ऐसे यहां पे लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू के प्लस वन, देन के प्लस टू, के प्लस थ्री अपॉन फोर, दिस इज अ ट्रू है, ये हमने क्या माना, लेट दिस इज अ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दिस इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, ये ट्रू है, इसके लिए हम लेके चलते हैं सेकेंड स्टेप, एन इज इक्वल टू के वाला स्टेप, एन इज इक्वल टू के। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए, एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करना है, इसको पहले वाले स्टेप को, वो देखो वो स्टेप क्या आएगा, है ना, वो देखो उसमें हम क्या करते हैं, वन टू थ्री प्लस टू डॉट थ्री डॉट फोर प्लस के, के प्लस वन, के प्लस टू, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, है ना, ये डॉट नहीं मतलब ऐसे लगा लो ना, ये डॉट क्यों, क्योंकि ये यहां पे डॉट आएगा ना, डॉट 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 डॉट, ये के प्लस वन के लिए जब करना है ना, एक हम पहली टर्म जरूर लिखते हैं, मतलब फोर से देखो ना, ये फोर है थ्री है टू है, इससे पहली टर्म क्या थी, थ्री टू वन, तो ऐसी उससे पहली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली जो होगी ना। अब यहाँ पे के, यहाँ पे क्या करोगे, के प्लस वन, यहाँ पे के प्लस, के प्लस वन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस टू हो जाएगा ना, देखो इधर ध्यान से देखो, के प्लस वन, के प्लस वन, के प्लस वन प्लस वन, के प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के प्लस थ्री इज इक्वल टू, इधर लिखो के, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे के, सॉरी के प्लस वन था ना, एन इज इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस वन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के प्लस वन प्लस के प्लस टू, क्योंकि के की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, के प्लस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के प्लस थ्री, के प्लस थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के प्लस फोर अपॉन फोर, दिस यू हैव टू प्रूव, ये प्रूव करना है बेटा, ये दिस यू हैव टू प्रूव, और प्रूव कैसे करना है, बाय यूजिंग ये, इसको क्या ले लो, फर्स्ट ले लो, है ना। फिर वही बात है, देखो वही बिल्कुल सेम,
यहां तक देखो वैल्यू, यहां तक, यहां तक, यहां तक है ना, ये क्या था k इंटू के प्लस वन के, यहां तक। इसकी जगह पे मैं ये लिख दू, इसकी जगह पे क्या लिख दू ये, और ये लिखा ही हुआ है ना, ये वाला लिखा ही हुआ है, तो एक ही बात बन जाती है वो, चाहे यहां पे ये लिख लो चाहे आप ये कह लो कि एड, क्या मुझे ये प्रूव करना है ना, ये पूरी, ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट साइड, ये मुझे लेके आना है। तो ये मैं कैसे लेके आऊंगा, सुनो ध्यान से, एड यहां तक तो ये है ही है, देखो वन टू थ्री के इंटू के प्लस वन के प्लस टू, अगर मैं इसमें क्या एड कर दू, जा क्या एड कर दे, ये वाला है ना, ये के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री एड कर दिया जाए इसमें, अगर फर्स्ट में है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सीधे ये आ जाएगी और राइट हैंड साइड की प्रॉब्लम रहेगी बस। तो हमने क्या करना है, एड, एड के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, इसकी, इसकी बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन की, इसमें क्या ऐड कर दो, ये k प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, देखो इधर तो ये बनी गई, ये वाली साइड बन जाएगी नहीं, इसमें जब ऐड करोगे ये तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी होगी, अब मुझे राइट हैंड साइड ये बनानी है, ये ठीक है ना, और ये ऐड कहां पे कर रहा हूं, इसमें ऐड कर रहा हूं, ये याद रखना, इसमें फर्स्ट में, तो यहां पे ये क्या था, ये मैं बना रहा हूं यहां पे k, k प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन फोर, इसमें क्या ऐड किया हमने, प्लस ये ऐड किया था ना, के प्लस वन के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, ये ऐड किया था हमने है ना। अब देखो ध्यान से, अब इनमें से आपको कुछ कॉमन लग रहा है, यस बिल्कुल लग रहा है, ये क्या हो गया, के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री आ रहा है कॉमन, आ रहा है, तो ये कॉमन निकाल दो, के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, ये कॉमन आ गया ना, यहां पे क्या लगेगा, के के अपॉन फोर, ब्रैकेट में लिख दो इसको ना, के प्लस फोर प्लस वन, अब देखो इधर क्या बन जाएगा, ये देखो ये मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है, ये याद रखना, ये वाली राइट हैंड साइड है ना, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड तो इसकी मैंने लिखी नहीं है पूरी, मैंने सिर्फ ये लिख दिया एड के प्लस वन, ये आप इसमें लिखोगे पूरा, इसमें ऐड करना है, ऐड करके मतलब इसमें ऐड करना है, इसमें फर्स्ट में इसमें ऐड करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी है ना, और राइट हैंड साइड में बनाना, तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, यहां पे एलसीएम लिया तो ये क्या आ जाएगा, फोर के प्लस फोर है ना। अब ये देखो ये राइट हैंड साइड बनगी कि नहीं बनगी, बिल्कुल बन गई, देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इधर से आ गई ये है ना, राइट हैंड साइड आ गई ना, के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस फोर अपॉन, सबके नीचे ये क्या है, फोर, फोर नीचे अभी सबके, ये याद रख लेना, वन अपॉन फोर निकाल के कर दो, तो ये आ गई हमारी। और एक और बात है, कई बार इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ये k प्लस वन एन की जगह पे क्या होना चाहिए, k प्लस वन, तो आप इस पे ऐसे लिख सकते हो, देखो k प्लस वन इसको यहां पे k प्लस वन प्लस वन, तो k प्लस टू मिलेगा, अब यहां पे k प्लस वन प्लस टू प्लस वन, तो इसको क्या लिख दोगे, k प्लस थ्री प्लस वन, ठीक है, तो सबके नीचे क्या है, तो ये था हमारा फोर्थ सम। नाउ फिफ्थ सम, देखो एन इज इक्वल टू वन के लिए आप खुद कर लिया करो, एन इज इक्वल टू वन के लिए मतलब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया यहाँ पे, वन इंटू थ्री मतलब थ्री, ये फर्स्ट टर्म मैंने बता चुका हूं कि फर्स्ट टर्म ही लेनी होती है हमने यहाँ पे, क्या लेनी होती है, फर्स्ट टर्म, और इधर अब यह क्या आ गया, देखो राइट हैंड साइड में, यहाँ पे राइट हैंड साइड में टू इंटू वन माइनस वन थ्री वन प्लस थ्री अपॉन फोर, ये टू वन से टू, टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन, तो वन हो गया, थ्री की पावर टू क्या हो जाएगा नाइन, नाइन प्लस थ्री अपॉन फोर, तो ट्वेल्व अपॉन फोर इज इक्वल टू थ्री, तो ये हो गया, सो इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन है ना, वो मैंने यही बताया हुआ, वन आप यहाँ पे भी ले सकते हो, एन की वैल्यू वन है, यहाँ पे भी पुट कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गया एन इज इक्वल टू, आपको ना एक हर बार बार वो करने से, अब एक ही बार मैं थर्ड स्टेप ही कल यूज किया करूंगा, थर्ड मतलब थर्ड स्टेप ही प्रूव किया करूंगा। चलो इसमें मैं फिर बता दूं यार आपको एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, देखो लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वन थ्री प्लस टू प्लस थ्री का स्केयर प्लस थ्री थ्री क्यूब
प्लस डैश डैश के इंटू थ्री की पावर के इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, टू के माइनस वन थ्री की पावर के प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर, ये आ गया। अब यहां पर ये आएगा, अब लेट इट इज द टू फॉर एन इज इक्वल टू किसके लिए, फॉर के के लिए, है ना। अब वी शैल हैव टू प्रूव फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, वो प्रूव क्या करना है, वो लिखने वो मैं आप खुद लिखा करो ना, भी प्रूव क्या करना है। जैसे ये अब इसमें मैं लिख रहा हूं वी शैल हैव टू प्रूव फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तीन ही तो केस होते हैं, पहला एन इज इक्वल टू वन के लिए, फिर एन इज इक्वल टू के लिए प्रूव, लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, फिर नाउ वी शैल हैव टू प्रूव फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, उसके लिए क्या होगा, देखो इधर ये 1.3 प्लस 2.3 का स्क्वायर प्लस 3.3 का क्यूब प्लस डैश डैश के डॉट 3 के, मतलब ये लिखना होता है यार, है ना। प्लस अगली एक और टर्म लिखनी होती है इसमें 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 पुट कर रहा हूं मैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस 1 3 रे पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, 2 एन की जगह पे क्या आ गया, के प्लस 1 माइनस 1 ये आ गया, 3 रिज पावर के प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब ये प्रूव करना है, ये वाला स्टेप मैं मिस कर दिया करूंगा अगले सवालों में, ठीक है। सिर्फ मैं ये बताया करूंगा कि ये प्रूव करना है मैंने, और वो आपको पता है कि प्रूव कैसे करना है, इसमें यहां तक क्या ऐड कर दो इसमें, अरे भाई ये क्या ऐड कर दो, यही तो ऐड करना है, ये ऐड कर दो बस, क्या जो यहां पे k प्लस वन करके आएगा, k प्लस वन थ्री रेज पावर k प्लस वन एड ऑन बोथ साइड, क्योंकि अब इसमें ऐड करूंगा, इसमें यहां तक तो ये है ही है, इसमें ये ऐड कर दिया इसमें, तो ये वाली टर्म होगी, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी प्रूव होगी। अब बात आती है राइट हैंड साइड की, ये प्रूव करनी है, ये कैसे प्रूव करूंगा, मैंने कहा ऐड करो किसमें, इसमें। अब ये वाला स्टेप भी मैं सीधा लिया करूंगा, देखो टू के माइनस वन थ्री रेज पावर के प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर, इसमें क्या ऐड करना है बेटा, ये के प्लस वन थ्री रेज पावर के प्लस वन, ये ऐड करना है ना। अब ये ऐड करके ये बनना चाहिए, तो इसका मतलब आपका ट्रू है क्वेश्चन, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू राइट हियर, उसके बाद अब देखो अब क्या करोगे आप, क्या करोगे ये एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो फर्स्ट यू कैन टेक एलसीएम, फर्स्ट क्या ले लो आप एलसीएम, एलसीएम लेने से पहले ले देखो एक और चीज है, ये और ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देखो है ना, ये आप क्या ले लो कॉमन, थ्री रेज पावर के प्लस वन कॉमन आ गया ना, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, टू के माइनस वन थ्री के प्लस वन कॉमन ले लिया, नहीं यार ऐसे कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस थ्री है बीच में, कॉमन तो आएगा नहीं ये, तो अब क्या करोगे एलसीएम ही लो, एलसीएम लेके हमने क्या किया, फोर एलसीएम आ गया इसका, फोर एलसीएम, तो ये क्या आ गया, टू के माइनस वन थ्री रेज पावर के प्लस वन प्लस थ्री प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, फोर के प्लस वन थ्री रेज पावर के प्लस वन, ये आ गया ना। अब इन इसमें से और इसमें से इन दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें और इसमें क्या कॉमन ले लो, प्लस थ्री एज इट इज बाहर लिख देंगे, इन दोनों में से देखो इसमें और इसमें थ्री रेज पावर के प्लस वन क्या ले लिया हमने, कॉमन थ्री के प्लस वन कॉमन ले लिया, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, टू के माइनस वन है ना ये प्लस फोर के प्लस वन ये रह गया अपॉन फोर, तो देखो सबकी ले आओ अपॉन फोर है ना प्लस थ्री, मतलब इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया और प्लस थ्री को अलग लिख दिया है, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा, थ्री रेज पावर के प्लस वन, अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा, टू के माइनस वन फोर के, टू के है फोर के है, तो क्या आ जाएगा, ये टू के ये माइनस वन है वो प्लस फोर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थ्री माइनस वन और प्लस फोर है ना थ्री, तो अब ये क्या आ गया, ये प्लस थ्री अपॉन फोर। अब देखो भी लगभग ये बन रहा कि नहीं बन रहा, मेरे ख्याल से तो ये बन जाएगा है ना, सिर्फ ये देखो ना
अगर मैं इसको खोलूंगा, देखो इसको मैंने खोल लिया, ओपन कर लिया, तो वही बनेगा। देखो ओपन करके भी देख सकते हो आप, ये देखो अब इसको आप ओपन करके देख सकते हो। ओपन करना है ना, ओपन कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं तो वैसे देखो यहाँ पे ना मैंने ये किया, अब इसका अगला स्टेप लिखा हूं। एक एक मिनट, यहाँ पे ना ये गलती होगी, 2k-1 4k, 2k+4 2k+4k, यहाँ पे 6k आएगा ना, ये आ रहा है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या कॉमन लेना हमने, 3 और कॉमन ले लिया, यहां से क्या ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो ये बाहर क्या बन जाएगा, 3k+1 × 3, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, 2k+1 है ना, 2k+1 + 3/4। अब देखो लगभग वही बन गया हमारे पास। अब यहां पे क्या लिख लोगे आप, 3k+1, ये 1 है ना, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, यहाँ पे k+1 ये हो गया और 1 ये हो गया, +1 है ना। अब यहां पे क्या आएगा, 2k+1 + 3/4, ये बन गई हमारी राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो पहली बन गई थी, हम जब इसको क्या करोगे आप प्लस करोगे ये वाला, तो ये बनी गई थी। इसमें सेकंड में ऐड करेंगे, जब जब इसमें फर्स्ट में ऐड करेंगे क्या, k+1 3k+1, तो यहाँ पे ऐड करोगे तो ये चीज तो बनी जाएगी ना। तो इसमें हमने जब ऐड किया तो ये लेके आना था ये वाला है ना। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो पहले थोड़ा सा है ना, लेकिन मैंने वहीं से ये साइड ले आया ना कैसे, ये देखो तो ये 3 × ये था ना, 3 × k+1 k+1 बाहर आ गया। अंदर ये क्या है, कई बच्चे ये सोच रहे हैं 2k+1 - 1 है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे लिख दो, देखो 3k+1 + 1, यहां पे अगर मैं 2 ऐसे लिख लू, 2k+1 - 1, तो ये देखो यही तो रहेगी ना, यही चीज रहेगी बेटा। देखो 2k+2 फिर -1 करोगे तो +1 आ जाएगा, तो यही रहेगा ना। वो ये बनाने के लिए बिल्कुल ये बनाने के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, +3/4, तो ये बन गई हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पहली बन गई थी, अब राइट हैंड साइड आ गई। नाउ सिक्स सम, देखो बेटा फिर वही बात, हमने n = फर्स्ट pn लिखे इसको, एंड n = 1 के लिए, 1 के लिए करोगे तो पहली टर्म ले लिया हमने, क्या ले लिया, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड की क्या होगी, 1 × 2 = क्या हो गया, 2। अब राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड यहाँ पे 1 पुट कर दोगे, 1 × 1 + 1 2 × 1 + 2 3/3, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 2 आ गया, ये भी 2 आ गई, ये भी 2 आ गई, तो इट इज ट्रू फॉर n = 1, इट इज ट्रू फॉर n = 1। उसके बाद सेकेंड केस है ना, सेकेंड केस क्या है, लेट इट इज ट्रू फॉर n = k, n = k के लिए क्या है, ट्रू है n = k। अब ये क्या आ गया, 1 2 + 2 3 + 3 4 + -k + 1 = k + 1 k + 2 / 3। अब मैंने बहुत समझ में आपको बता दिया, अब क्या करना क्या है, नाउ वी हैव टू शैल प्रूव दैट फॉर n = k+1, इसके लिए प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है n = k+1 के लिए, इसमें लिखोगे देखो 1 + 2 + यहां पे लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको क्या प्रूव क्या करना है, 1 + 2, चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं दोबारा, फिर थोड़ा सा मैं सोच रहा था अलग लिख के दिखा दूं आपको k+1 के लिए क्या करना होता है, करना क्या होता है वो बता रहा हूं आपको। ये सारा आ जाएगा 1 देखो 1 2 + 2 / 3 + 3 4 + -k, ये वाली मतलब ये इससे एक पहली टर्म जरूर लिखनी है इसमें k+1, ठीक है ना, ये k के लिए है, लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है k+1 के लिए, तो इससे अगली टर्म क्या आएगी, देखो ये k तक है, इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, k+1 k है ना, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है 2.3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ऐसे यहाँ पे k के बाद यहाँ पे क्या आएगा k+1, तो क्या आएगा k+2। बस यार ये कुछ नहीं है, आपको यही इसी में लिखना है k+1, ये लिख दिया मैंने k+1 k+1 + 1 2 हो गया, तो सिर्फ इससे जस्ट एक टर्म मैंने पहले लिख दी, बस एक टर्म, इससे पहले कोई टर्म तो होगी ना, वो क्या टर्म होगी, ये होगी है ना, तो ये हो गया = ये क्या, यहां पे k+1, यहां पे क्या करोगे k plus 1
प्लस वन है ना, ये फिर के प्लस वन प्लस टू अपॉन थ्री, ये प्रूव करना है हमें, ये क्या करना है प्रूव करना है, दिस यू हैव टू प्रूव। और बेटा प्रूव कैसे करना है इसको तो आप भूल जाओ, ये तो प्रूव करके दिखाना है मुझे बाय यूजिंग दिस। अब ये देखो ये यहां तक तो सेम आती है ना, के इंटू के प्लस वन यहां तक तो आ ही रही है, क्या करना है सिर्फ ये एड कर दो, ये क्या कर दो एड इन फर्स्ट, एड के प्लस वन, एड के प्लस वन के प्लस टू ऑन बोथ साइड्स। देखो इसमें ऐड करना है, इसमें इसमें ये ऐड करोगे तो ये टर्म तो बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ये आ गई है ना, लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड में लेके आना था ना, इसमें ऐड कर रहे हैं याद रखना, इसमें इसमें ऐड करके ये बनाना है पूरा, इसमें ऐड कर दिया तो ये तो आ गया। अब इसमें देखो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहा हूं बस, के इंटू के प्लस वन के प्लस टू अपॉन थ्री प्लस प्लस, क्या प्लस किया था हमने के प्लस वन के प्लस टू है ना। अब क्या करोगे ये ऐड करोगे तो ये कहां से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लो पहले तो, के प्लस वन के प्लस टू ये कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या रह गया ओनली के, के अपॉन थ्री प्लस यहां पे क्या रह गया वन। अब ये देखो सिंपल अपॉन में क्या था इसके अपॉन में है ना, ये तो हमने ये किया था ना अपॉन ये सॉरी यहां पे हमने क्या कर दिया ये कॉमन लिया, के अपॉन थ्री प्लस वन रह गया। अब क्या करोगे के प्लस वन के प्लस टू यहां पे एलसीएम ले लिया क्या आ गया थ्री, तो ये क्या रह गया के प्लस थ्री। अब ये बन गया बस, वो देखो वो चीज बन गई कैसे दे देखो, के प्लस वन ऊपर क्या आया के प्लस टू के प्लस थ्री सबके नीचे थ्री लिख दिया। अब देखो वो चीज बन गई कि नहीं बन गई, सिर्फ उसको ऐसे लिख दिया तुम एक बार, चलो के प्लस टू ही तो था के प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस थ्री, लेकिन इसको ऐसे लिख दो जुलाब, क्योंकि ना हमें ये दिखाना था कि इसमें के प्लस वन के प्लस वन प्लस वन, तो वो क्या हो जाएगा इसको इसको आप क्या लिख दो के टू को तोड़ दो ब्रेक कर दो क्या प्लस वन तो ये क्या हो जाएगा के प्लस टू प्लस वन अपॉन थ्री। तो ये था हमारा ये अपना राइट हैंड साइड है ना, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। नाउ देखो बेटा दिस ये आपको प्रूफ है ना, सेवन सवाल बाय मैथमेटिकल इंडक्शन है। अब क्या करना है इसमें, फिर वही हम करेंगे क्या, पहले वन के लिए है ना, वन के लिए मैं थोड़ा सा करके दिखा दूं आपको, वन इंटू लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी वन इंटू थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया थ्री है ना। अब राइट हैंड साइड में वन पुट करोगे तो थ्री थ्री ही आएगा, देखो वन फोर प्लस सिक्स टेन, टेन माइनस वन नाइन, नाइन अपॉन थ्री थ्री दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब राइट अब लेफ्ट इट इज अ सेकेंड केस, लेफ्ट इट इज अ टू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो ये क्या करोगे आप वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू सेवन प्लस डैश डैश टू के माइनस वन टू के प्लस वन, क्या करना होता है हमें जहां एन है वहां पे क्या पुट कर देना है के, तो ये क्या आ जाएगा के फोर के स्क्वेयर प्लस सिक्स के माइनस वन अपॉन थ्री। अब थर्ड केस बेटा, थर्ड केस लेट इट इज वी शैल हैव टू प्रूव फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस वन के लिए हमें प्रूव करना होता है, ये मैं फिर बता रहा हूं आपको क्या करना क्या हमने से, बस ये यहां तक तो ये टर्म है ही है, इससे आगे एक और टर्म लिखनी है कौन सी के प्लस वन, उसके लिए हमें भी प्रूव करना है ना फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए, तो उससे ये पूरी एज इट इज ऐसे लिखोगे वन थ्री प्लस थ्री फाइव प्लस फाइव डॉट सेवन प्लस टू के डॉट डॉट प्लस टू के माइनस वन टू के प्लस वन प्लस है ना प्लस नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, यहां पे के प्लस वन पुट करना है, यहां पे के प्लस वन करोगे बेटा देखो यहां पे के प्लस वन टू एन माइनस वन है ना, यहां पे टू के प्लस वन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा टू के प्लस टू माइनस वन, तो ये क्या हो गया टू के प्लस वन आ जाएगा यहां पे, तो यहां पे क्या आ गया टू के प्लस वन, और यहां पे क्या आ जाएगा टू के प्लस थ्री टू के प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा के प्लस वन है ना के प्लस वन, और यहां पे क्या आ जाएगा फोर के प्लस वन का स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस वन माइनस वन का अपॉन थ्री, ये प्रूव करना है हमें है ना, दिस वी हैव टू प्रूव। अब प्रूव कैसे करना, देखो यहां तक तो फिर वही सेम है, देखो
क्या कर दो, दिस शुड बी एड ऑन बोथ साइड इन द इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में ये एड कर दो, बस ये है सारा है ना, फर्स्ट में इसमें क्या कर दो, एड दिस ऑन बोथ साइड। अब यहां पे एड कर दिया मैंने ये, तो यही बन गई साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो होगी पूरी। अब मुझे ये राइट हैंड साइड में ये प्रूव करना, आप पूरा लिखोगे ना, ऐड करोगे दिस, फिर इधर करोगे, फिर उधर, ये क्या आ जाएगा, अब ये देखो ये क्या था यहां पे, के फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस वन अपॉन थ्री प्लस, यहां पे क्या करोगे, टू के प्लस वन, टू के प्लस थ्री है ना, ये ऐड कर दिया। ये देखो बेटा मैं थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, आपने ये लिखनी है इक्वेशन दोबारा, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी उसमें क्या कर दिया, ऐड टू के प्लस वन, टू के प्लस थ्री ऑन बोथ साइड्स, इधर तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो बनेगी, अब राइट हैंड साइड मैंने ये लेके आनी है ना, क्योंकि ये तभी प्रूव होगा ना कि ए प्लस वन के लिए, ये लेके आना है मैंने। अब देखो इधर इसको क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इसके एलसीएम ले लिया पहले तो मैंने, क्या ले लिया एलसीएम, देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा, वैसे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, फोर के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वेयर माइनस के प्लस, यहां पे एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम क्या आ जाएगा थ्री, अब थ्री इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये यहां पे भी इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, टू टू जार फोर के स्क्वेयर, टू टू जार फोर के स्क्वेयर, पूरा सिंपली कर दो सिंप्लीफाई, क्योंकि कॉमन कुछ निकल नहीं रहा था, कुछ भी कॉमन आ नहीं रहा था ना, क्या आ जाएगा यहां पे, टू के प्लस थ्री, टू के प्लस थ्री का होल स्क्वेयर, थ्री टू आ भी सकता है ना यहाँ पे कॉमन, टू के प्लस थ्री का होल स्क्वेयर लिख लिया अगर, टू के प्लस थ्री का होल स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, टू टू जार फोर के नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं, वन का आ जाएगा नहीं आएगा, टू थ्री जार सिक्स, थ्री नहीं आएगा, आएगा नहीं, तो इसलिए हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, टू टू जार फोर के स्क्वेयर, फिर टू थ्री सिक्स, टू थ्री जार सिक्स के प्लस टू के एट के प्लस थ्री, ये आ गया। अब इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, फोर के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वेयर माइनस के है ना प्लस ट्वेल्व के स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी फोर के प्लस नाइन अपॉन थ्री, फिर ये क्या आ गया, अब देखो इधर फोर के क्यूब सिक्स के स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व के स्क्वेयर प्लस एटीन के स्क्वेयर माइनस के प्लस ट्वेंटी फोर के प्लस ट्वेंटी थ्री के प्लस नाइन, नाइन प्लस नाइन अपॉन थ्री, ये इक्वेशन हमारी आ गई है ना। नाउ दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन हियर। नाउ इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ये देखो इसको, एक तो देखो ये प्लस, ये हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में, हमें अब इसमें कैसे सॉल्व करना होता है, देखो लेके मुझे ये आना है ना, बाहर क्या आएगा के प्लस वन, देखो मैं यहां से भी आपको समझाता हूँ, लेकिन पूरा मैंने तो पूरा फॉलो आपको पूरा मेथड समझाना कि कैसे इसके फैक्टर कैसे, देखो इसके फैक्टर करने बस आपने, फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले नाइन के फैक्टर निकालो, नाइन के फैक्टर कौन कौन से होंगे, देखो वन थ्री एंड नाइन, अब इनमें से एक एक करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसमें पुट करो, यहां पे ये जीरो आ जाएगा, यहां पे ये क्या आ जाएगा जीरो, मान लो के की वैल्यू मैंने क्या पढ़ दी वन और वहां पे ये क्या आ गया जीरो, तो मैं इसको किसके साथ डिवाइड करूंगा, के माइनस वन के साथ डिवाइड करूंगा, किसके साथ डिवाइड कर देंगे, के माइनस वन के साथ ना, और अगर ये के प्लस प्लस वन पे तो आएगा नहीं, ये माइनस वन पे आएगा जीरो, के की वैल्यू माइनस वन पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, करके भी देख लेना, क्यों मुझे कैसे पता चला सुन इधर, क्योंकि यहां पे के प्लस वन बाहर आ रहा था, क्या रहा था के प्लस वन बाहर, तो इसका मतलब मुझे इसको किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, के प्लस वन के साथ मैं क्या कर दूंगा इसको डिवाइड है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा देखो के प्लस वन ये आ गया, अब अंदर क्या आएगा वो हमें डिवाइड करके पता करना पड़ेगा ना, इसको के प्लस वन के साथ क्या कर दो डिवाइड कर ही लेते हैं हम भी, यहां पे इसको डिवाइड कर दो के प्लस वन के साथ, फोर के क्यूब प्लस एटीन के स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी थ्री के प्लस नाइन है ना, इसको डिवाइड कर दो जी के प्लस वन के साथ, मैंने बोला ना आपको, आपने मुझे तो यहां से ही पता चल गया के प्लस वन है, तो इसका मतलब अंदर समथिंग कुछ आएगा, वो फाइंड आउट करने के लिए मैं ये कर रहा मैंने डिवाइड, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर के स्क्वेयर, इसको डिवाइड तो जो आपको करना आती है, फोर के क्यूब प्लस फोर के स्क्वेयर अपॉन ये माइनस ये माइनस ये कैंसल, ये क्या आ गया फोर्टीन के स्क्वेयर,
प्लस 23 के प्लस 9, अब क्या आ जाएगा यहां पे 14 चाहिए ना, प्लस 14 प्लस 14 के, तो ये क्या आ जाएगा 14 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर प्लस 14 के 14 के, ये माइनस ये माइनस ये कैंसल, ये क्या हो जाएगा 6 और 3 9 के प्लस 9, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा, तो ये आ गया जी मेरे पास है ना, क्या आ गया यहां पे 4 के स्क्वायर प्लस 14 के प्लस 9, ये आ गया डिवाइड करके है ना, ये आ गया मेरे को मिल गया डिवाइड करके यहां पे, ठीक है अपॉन 3। अब देखो एक बात ये है, मुझे अगर आपका सारा सम सही है, अगर आपने यहां तक कर लिया तो इसको, अब देखो इसको अपना राइट हैंड साइड को सॉल्व भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है। देखो मुझे कैसे पता चला, के स्क्वायर करूंगा यहाँ पे, के स्क्वायर इसका खोलूंगा इसको, देखो ना इसको खोल लोगे अगर आप बाहर तो क्या है के प्लस वन, यहाँ पे खोल दोगे तो ये क्या आएगा 4 के स्क्वायर, ठीक है 4 के स्क्वायर, फिर ये क्या आएगा प्लस वन प्लस वन तो प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 2 के तो प्लस 8 के आ जाएगा, ये आ गया प्लस 6 के प्लस 6 माइनस 1, दे देखो ये क्या आ गया के प्लस 1 4 के स्क्वायर प्लस 14 के प्लस 14 के हो गया ना, देखो 8 के प्लस 6 के 14 के, 6 प्लस 4 10 10 माइनस 1 9, तो ये देखो यही बन रहा था 9 प्लस का 9 आएगा ना 6 10 10, ये यही बन रहा था राइट हैंड साइड है ना, ये देखो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके, चाहे आपको नो प्रॉब्लम आप इसको राइट हैंड साइड को ये बना दो, यहां पे इसको सॉल्व करके रख लो पहले कि मुझे ये प्रूव करना है ना, तो आप बाद में ये कर दो, ये आई गया हमारा। लेकिन अगर आपने वही करना है तो आप कैसे करोगे, अब यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा यार ये क्या हो रहा है 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के का स्क्वायर है ना, इसी को मैंने यहां पे क्या लिख दिया के प्लस 1 यहां पे इसको है ना 4 के, ये आपको ऐसे लिख दो 4 के प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा, और पीछे क्या बचेगा 6 के प्लस 6 माइनस 1, पीछे क्या बचेगा ये देखो ना, इसको मैंने 4 के प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया, जहां इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो आप ये देखो 4 के स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा इसको प्लस 8 के प्लस 4 प्लस, देखो 8 के क्या बच गया यहां पे 6 के मुझे ये लेके आना था ना 4 के प्लस 8 के प्लस 4 प्लस 6 के, इसको तोड़ दिया ब्रेक कर दिया है ना, अब यहां पे क्या बचा ये 9, यहां पे 4 लिख दिया तो प्लस क्या आ गया 5, प्लस क्या आ गया 5, देखो इसको मैंने ऐसे लिखा, बस यहां से मैंने हिंट ले लिया और इसको ऐसे लिख दिया, देखो ना 4 के स्क्वायर 14 के को तोड़ के लिख दिया क्या 8 के प्लस 6 के, 8 प्लस 6 14 के है ना, फिर 9 को क्या लिख दिया 4 प्लस 5, अब मैंने आपको ये बताया था मुझे ये लेके आना था इसलिए मैंने यहां पे स्क्वायर बनाया, अब इसमें से क्या ले लो 4 कॉमन ले लिया, के प्लस 1 अपॉन 3 है याद रखना ना, के प्लस 1 तो यहां पे 4 कॉमन लेके पीछे क्या बच जाएगा के प्लस 1 का स्क्वायर यहां तक का है ना ये, ठीक है फिर प्लस यहां पे क्या चाहिए 6 के प्लस 1 माइनस 1 चाहिए, तो इसको ऐसे लिख लो आप 6 के प्लस 1 माइनस 1, तो यही तो आ जाएगा, देखो 6 के प्लस 6 माइनस 1 तो प्लस 5 आ जाएगा अपॉन 3, तो ये था आपकी राइट हैंड साइड, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पहले आपने n=1 के लिए प्रूव करना है, फिर n=k के लिए ये प्रूव कर दिया, उसके बाद ऐड ही करना है, क्या ऐड करना है देखो एक यहां पे जो k प्लस 1 करके आएगा, क्या आएगा n की जगह पे k प्लस 1 के जो बन गया वो सेकंड में ऐड कर देना है, वो सिर्फ सेकंड में क्या कर देना है ऐड, देखो ना यहाँ पे k प्लस 1 है ये तो हम लिख ही चुके हैं, अब इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है जो यहाँ पे n=k+1 करके आएगा वो क्या आएगा 2k+1 2k+3, ये ऐड कर दो इसमें, तो फिर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी, तो ये था हमारा अप टू 7 क्वेश्चन।